हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लाइट रूम से फोटो एडिटिंग करेंगे। कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं रेड कलर टून फोटो एडिटिंग। इसका ओरिजिनल फोटो भी आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से है। एंड इसे हम कुछ मिनटों में जो फोटो को क्रिएट करेंगे, तो वीडियो को जो है बिना टाइम पास करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हे गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। सो लाइट रूम एप्लीकेशन पे मैं इस वाले फोटो को जो ऐड कर लिया हूँ। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ब्राइटनेस टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाने हैं। एंड यहाँ से जो कॉन्ट्रास्ट है उसे जो माइनस कर देना है 25 पे। एंड एक्सपोजर को भी जो 3 बार टैप करने के बाद माइनस कर देना है। हाईलाइट्स एंड शेडोज को जो इंक्रीज कर देना है। एंड ब्लैक्स को जो इंक्रीज करने के बाद कलर टून पे जो आ जानी है। एंड मिक्स कलर पे आ जानी है यहाँ से। एंड यहाँ से सेकेंड कलर पे आने हैं। सेचुरेशन को माइनस करेंगे, इल्यूमिनेशन को इंक्रीज कर देंगे, इससे हमारे फेस के जो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। एंड ग्रीन कलर पे आने के बाद इसे जो हम इंक्रीज करके देते हैं ह्यू को, तो हम माइनस कर देंगे 100। एंड इसका सेचुरेशन इंक्रीज करने के बाद ग्रीन येलो कलर पे आ जाना है। एंड इसे भी हम माइनस कर देंगे। एंड इसका भी सेचुरेशन इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से डन कर देंगे। टेम्परेचर एंड सेचुरेशन को एक एक बार जो टैप करके जो इंक्रीज कर देंगे। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट टूल्स पे आ जाएंगे। एंड यहाँ से क्लियरिटी को जो इंक्रीज कर देना है। एंड विगनेट को जो माइनस कर देंगे। एंड नेक्स्ट टूल्स पे आ जाने के बाद सर्फिंग इंक्रीज कर देना है सर्फिंग को। ओके, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट टूल्स पे आ जाएंगे। एंड यहाँ से हम दोनों ऑप्शन को जो ऑन कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आ जानी है। एंड यहाँ से हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसे जो स्लाइड करेंगे, यानी यहाँ से हम RT03 को जो ले लेंगे, तो इसे मैं जो ले लिया हूँ। एंड इसे जो माइनस रहेगी तो इसे जो इंक्रीज कर देना है। इस टाइप से हम इंक्रीज कर देंगे। एंड इसके बाद हम डन करेंगे। एंड आप देख सकते हैं हमारी फोटो इस टाइप से एडिट हो गई है। एंड फेस जो पूरी रेड हो गई है, तो उसे हम जो वाइट करेंगे। तो उसके लिए हम इस फोटो को जो शेयर कर लेंगे अपने स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। मैं इस फोटो को जो शेयर कर देता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ से अपने जो स्नैपशीट एप्लीकेशन को जो ओपन कर लिया हूँ। तो स्नैपशीट पर जो मैं इस वाले फोटो को ऐड कर लिया हूँ। एंड आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद क्या करना है, पेंसिल वाले आइकन पर जो आ जानी है। एंड इसके बाद HDR वाले पे आ जानी है। एंड इसे जो हम फिल्टर को जो माइनस कर देंगे, प्लस 10 रख देना। एंड ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देंगे। एंड सेचुरेशन को जो इंक्रीज करने के बाद सिंपली यहाँ से हम डन करेंगे। आप देख सकते हैं इस टाइप से एडिट हो गई है। एंड इसके बाद क्या करने हैं, एंड इसके बाद सिंपली फिर से जो पेंसिल वाले आइकन पे जो आ जानी है। एंड पेंसिल वाले आइकन पे आने के बाद डबल एक्सपोजर पे आ जानी है। एंड यहाँ से हम ओरिजिनल फोटो जो ऐड कर लेंगे। तो मैं ओरिजिनल फोटो को जो ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। एंड ओरिजिनल फोटो ऐड करने के बाद सिंपली इसका जो कैपेसिटी है उसे जो हम इंक्रीज कर देंगे, आप देख सकते हैं। एंड इंक्रीज करने के बाद डन करना है। एंड ऊपर की ओर जो एरो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा उसे जो हम टैप कर देंगे। एंड वीवो एडिस पे आ जानी है। एंड वीवो एडिस पे आने के बाद डबल एक्सपोजर पे टैप करने के बाद पेंसिल वाले आइकन पे आ जानी है। एंड इसके बाद हम अपने फोटो को जो हल्का जूम कर लेंगे। एंड यहाँ पास आप देख सकते हैं जो हमें जो अपने फेस को जो इरेज करना है, तो मैं जूम करके जो फेस को जो इरेज कर दूंगा कुछ इस टाइप से। इसे इस टाइप से जो हल्का हल्का ब्रश मार देना है। यहाँ से हमारी फोटो को इस टाइप से रेज हो गई है। एंड यहाँ से डन कर देंगे। एंड ओरिजिनल फोटो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हो गई है। एंड यहाँ से बैक चले आ जाना है। एंड बैक आने के बाद पेंसिल आइकन पे आएंगे। एंड यहाँ से सिलेक्टिव पे आ जानी है। एंड सिलेक्टिव पे आने के बाद हमें इसे जो प्लस वाले पे जो टाइप करके जो हम अपने फेस पे जो इसे मार देंगे। एंड जहाँ जहाँ जो रेड दिख रहा होगा वही सिर्फ जो व्हाइट होगी, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से। एंड हाथ में भी जो ब्रश मार देता हूँ सिलेक्टिव करके, जो मैं इसे ब्राइटनेस को जो इंक्रीज कर दूंगा। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं ब्राइटनेस आ गई है हमारे फेस में। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड वीडियो में बस इतना ही। तो मैं इस फोटो को जो सेव कर लेता हूँ।